देखिए किस तरीके से बस की जल समाधि आपको बता रहे हैं। हादसे मरने वालों में किस तरीके से लोग शामिल थे। मध्य प्रदेश के धार में ये बड़ा हादसा हुआ, रेलिंग तोड़कर किस तरीके से बस नदी में समा गई। 14 की मौत हुई है, 12 के शव अभी तक निकाले गए हैं। हादसे में मरने वालों में महिलाएं पुरुष दोनों ही थे। इंदौर से पुणे की ओर ये जा रही थी, वाहन को ओवरटेक करना इसकी वजह बना। नर्मदा पर ये जो पुल बना हुआ है, इसे भी बताया जा रहा है कि काफी पुराना ये पुल है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।